Hello dear students, welcome back to Science Wise. In this video we are going to cover part 2 of your chapter 2, that is food, health and disease. So we are going to talk about overnutrition. Overnutrition kya hota hai bache? Jab aap kisi ek particular न्यूट्रिएंट को बहुत एक्सेस में या बहुत ज्यादा अमाउंट में आप उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को लेते हैं तो जो कंडीशन होती है आपकी बॉडी की उसको हम बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन. ठीक है, और ओवर न्यूट्रिशन से क्या होता है? ओबेसिटी होती है ना. ओवर न्यूट्रिशन से ओबेसिटी होती है, जिसका मतलब है कि जो पर्सन ओवर न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन में होता है उसका वेट जो है वो ओवर वेट हो जाता है. ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि वहां पे उस पर्सन की बॉडी में जो फैट्स हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, इसलिए वो ओबेसिटी से सफर करता है. ठीक है, नेक्स्ट, ओबेसिटी कैसे होती है? जब आप फूड लेते हैं इस टाइप का, जैसे कि चिप्स, बर्गर, पिज्जा, समोसा, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम, जो कि टेस्ट में बहुत गुड होते हैं लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी गुड नहीं होते हैं. ठीक है, और हम इन फूड को क्या बोलते हैं? जंक फूड बोलते हैं. जंक फूड यानी कि जो अनहेल्दी फूड है, जो अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, उसको हम बोलेंगे जंक फूड. ठीक है, और ये जंक फूड जो है वो क्या होता है? रिच इन शुगर एंड फैट्स. ये जो जंक फूड है, जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो ये कैसा है? बहुत ही ज्यादा शुगर और फैट में ये रिच होता है, इसलिए इसको हम जंक फूड बोलते हैं और ये अनहेल्दी होता है. जब हम एक्सेस ऑफ फैट्स लेंगे तो क्या होगा? ओबेसिटी होगी. ठीक है, ये याद रखना. गेट इट राइट. डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी ट्रीटेड इफ द लैकिंग न्यूट्रिएंट इज गिवन इन वंस डाइट. डेफिशिएंसी डिसीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जब जो न्यूट्रिएंट की लैक हो, जिस न्यूट्रिएंट की भी कमी हो, हम उस न्यूट्रिएंट को उस पर्सन की डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं, और इससे क्या होगा? डेफिशिएंसी डिसीज जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं हम, मतलब उसको ठीक कर सकते हैं. ठीक है, जब एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर नॉट यूटिलाइज्ड इन आर बॉडी. नॉट यूटिलाइज्ड मतलब जिसका यूज नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, वो क्या होने लगते हैं? वो हमारी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं एज फैट. ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती है तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है? स्किन के अंदर फैट की लेयर बना के उसको स्टोर कर लेती है. ठीक है, और जब ये स्टोर होती है किसी भी पर्सन के अंदर तो पर्सन क्या हो जाता है? ओबेस हो जाता है. ठीक है, और जब कोई पर्सन ओबेसिटी या ओबेस हो जाता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? उसको प्रॉब्लम होती है हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीजेस. ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स ओबेसिटी से हो सकती है. देखो, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसीज आर कॉज्ड ड्यू टू ओबेसिटी. ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 2 दिया हुआ है, बहुत इजी है. यहाँ पे आपको बताना है कि अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बेरी बेरी, स्कर्वी एंड रिकेट्स. तो अनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है, बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होते हैं. नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप. देखो, बैलेंस्ड डाइट लेना हेल्दी रहने के लिए काफी नहीं है. ठीक है, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ये अकेला ही आपके लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए काफी नहीं है. इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है, रेस्ट भी करना है और प्रॉपर स्लीप भी लेनी है, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे. ठीक है, सो यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड टेक इनफ ऑफ रेस्ट एंड स्लीप टू मेंटेन द बॉडी एंड स्लीप टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड. ठीक है, एक्सरसाइज हमको क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमें एक्टिव फील होता है. ठीक है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एनर्जी से फुल हो चुके हैं. सो फुल ऑफ एनर्जी, एक्सरसाइज मेक अस फील एक्टिव एंड फुल ऑफ एनर्जी. एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें? हमारी जो मसल है
और बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने और मेंटेन करने के लिए जो एक्सरसाइज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। दूसरा फंक्शन एक्सरसाइज का क्या है कि इट हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स, ठीक है, ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी बॉडी क्या करती है, ज्यादा पंप करती है, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दूसरे वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करती है हमारी बॉडी, इससे जो हमारे हार्ट डिसीजेज हैं, है ना, हार्ट डिसीजेज या डायबिटीज, इसका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। रिस्क कम हो जाने का मतलब कि ये डिसीजेज होने के हमको चांसेस कम हो जाते हैं। और एक्सरसाइज जैसे कि योगा, एरोबिक्स, ये हमारी बॉडी को कैसा बनाती है, मोर फ्लेक्सिबल एंड फिट, ठीक है। तो आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज योगा करना चाहिए, एरोबिक्स भी करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, आपको मेडिटेशन तो एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स यू शुड डू मेडिटेशन। इट विल इंक्रीज योर कंसेंट्रेशन पावर ऑल्सो and it will help you to memorize the things better. So I personally I suggest you to do meditation for 10 minutes daily when you wake up and when you go to the bed. Okay? It will really help you. So the next topic is rest and sleep. See, you should take proper rest. Okay? If you continuously do work, what will happen? Your body will get tired. Okay? Rest doesn't mean that you need to sleep. Okay? Sleep and rest are both different things. When I feel that I should take rest, what I do? I listen to soft music, right? So it make my mind relax. So rest means you have to make your mind relax. Either you can read books, either you can listen to music or read books. Okay? This will help you to relax your body, and this is the meaning of rest. Now sleep. Sleep is equally essential as the exercise we do, right? Sleep is also very important, beta. Okay, you should take proper 8 hours of sleep. Okay, how many hours? You need to take 7 to 8 hours of sleep. 7 to 8 hours of sleep. है ना, undisturbed sleep to wake up refresh and full of energy next morning. Undisturbed sleep मतलब कि बिना disturbance के एकदम शांति से आपको सोना है, ठीक है, आपके आस पास कोई disturbance नहीं होना चाहिए, तभी आप एक refreshed mind के साथ अपनी energy को फिर से restore करके next morning आप अच्छे से ready रहोगे task करने के लिए, right? जब आप सोते हैं तो क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो रिपेयर करती है जो भी वियर और टियर हुआ है ना आपकी बॉडी में सबको, ठीक है। और जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी के सिस्टम्स जो होते हैं उनको भी रेस्ट मिल जाता है, जैसे आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी स्लीप के टाइम पे होती है। तो स्लीपिंग इज ऑल्सो इक्वली एसेंशियल टू the exercise you do, ठीक है, it is just equally essential. Now the next topic is disease. What is disease? When your body is unable to function properly, right? Or we can say the abnormal condition when body is unable to function properly is called disease. ठीक है, when sometimes you fall sick, you say that I'm not feeling well, I'm not doing well, so I'm not able to do this, I'm not able to do that. So what is that? That is an abnormal condition of your body, है ना, और your body is unable to function properly. That condition is known as disease. Now here we are going to classify disease into two types. That is two types of disease we are going to study. One is non-communicable disease and another one is communicable disease. Say it correct. Communicable
ठीक है, व्हाट यू प्रोनाउंस इट, कम्युनिकेबल एंड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स. ओके, सो दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीज विच आर गोइंग टू स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, or the disease which is not going to spread from one person to another. In this way we have classified the disease. ठीक है, non-communicable disease कौन सी होंगी बच्चे, जो एक person से दूसरे person तक नहीं जाए, उसे हम बोलेंगे non-communicable disease. ठीक है, the disease that do not spread from one person to another is called non-communicable disease. ठीक है, जैसे कि आपकी डेफिशिएंसी डिसीजेस है ना, ये सारी डेफिशिएंसी डिसीज हो गई, जैसे स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया, अनीमिया हो गया, है ना, तो ये जो आपकी डिसीजेस हैं, ये कौन सी डिसीज है, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है. नेक्स्ट हम कम्युनिकेबल डिसीज की अगर हम बात करते हैं, तो ये डिसीज ऐसी है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये कैसी है, स्प्रेड हो सकती है, ये फैल सकती है. ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं कम्युनिकेबल डिसीज. ये डिसीजेस जो हैं, ये टाइनी ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्प्रेड होती हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं जर्म्स या फिर माइक्रोब्स. ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई आर सम कॉमन माइक्रोब्स. दीज माइक्रोब्स स्प्रेड इन द एयर व्हेन समवन स्नीज, कफ, स्पिट्स इन ओपन. ये माइक्रोब्स कब फैलते हैं, जब कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो स्नीज, कफ या स्प्लिट करता है ओपन में, तो ये माइक्रोब्स फैल जाते हैं. दे कैन ऑल्सो एंटर द अ पर्सन्स बॉडी थ्रू नोज, माउथ, वूंड, कट और विथ फूड और वाटर. और यही माइक्रोब्स दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू, वूंड यानी कि चोट, कट मतलब आपकी स्किन पे कहीं कट लग गया है तो उसके थ्रू भी आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं. कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू भी ये आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं. ठीक है, अब आपको ये पढ़ना है कि ये जर्म्स कैसे स्प्रेड होते हैं. ठीक है, तो इन जर्म्स का या इन माइक्रोब्स का जो स्प्रेड होते हैं ना, तो ये बहुत सारे तरीकों से स्प्रेड होते हैं. ठीक है, वो हमको पढ़ना है, तो गेट इट राइट पढ़ लेते हैं. पहले, We cannot see microbes with naked eyes. ठीक है, हम microbes को ऐसे naked eyes से नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये microbes जो है ये बहुत ही small होते हैं. ठीक है, और ये small, इतने small होते हैं कि हमको इनको अगर देखना है तो हमको microscope से देखना पड़ेगा. ठीक है बेटा, आपके school में अगर आपकी teacher से आप बोल पाए कि मैम हमें microscope में बैक्टीरिया, वायरस दिखा दीजिए या कोई से भी माइक्रोब्स दिखा दीजिए, तो प्लीज आप उनसे बोल के एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, बहुत ही मजा आता है माइक्रोस्कोप में ये सब ऑर्गेनिजम्स को देखने में. ठीक है, अब हम वेज देख लेते हैं कि कैसे स्प्रेड होता है. तो थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ये स्प्रेड हो जाता है. जैसे कि अगर हम किसी सिक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो जैसे when someone comes in direct contact with a sick person or things used by sick person, ठीक है? Germs spread from the sick person to the healthy person. The disease such as common cold, chicken pox, measles, whooping cough and corona spread through direct contact with the sick person. आप देखो यहाँ पे हाथ मिला रहा है ना, तो इससे क्या होता है, जर्म्स स्प्रेड होते हैं, इसलिए हमको किसी से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, आप ये देखिए, बड़ा मजा आता है ना गोलगप्पे खाने में, मुझे भी आता है, पर आपको ये देख लेना चाहिए कि जिस प्लेस पे आप खड़े होके खा रहे हैं वहां पे थोड़ी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है कि नहीं, फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोच ये सब वहां पे नहीं हो. ठीक है, तो फूड केप्ट इन ओपन टू फ्लाइज एंड इंसेक्ट और फूड हैंडल्ड विद डर्टी हैंड्स, इससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है. विथ नो प्रॉपर हाइजीन, कंटेमिनेटेड विथ जर्म्स. ठीक है, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, आप खाइए, बेशक आप खाइए, लेकिन देख लीजिए कि वहां प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया गया है कि नहीं.
flies, mosquitoes, cockroach and other insects sit and breed in such conditions. They carry germs, disease such as typhoid, cholera, diarrhea, jaundice, polio are caused by consuming contaminated food and water. You know, so that is why we should not eat the food exposed to flies and insect. ठीक है, अब यहाँ सेव करेक्ट में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्थीरिया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा. नेक्स्ट इज थ्रू द ब्रीथ, थ्रू द एयर वी ब्रीथ. ठीक है, जो हवा में हम सांस ले रहे हैं उससे भी कई बार हमको इन्फेक्शन हो जाता है. जैसे कि हम अगर बात करें, जब सिक पर्सन स्नीज करता है तो हम बोलते हैं ना, हमेशा जब भी आपको स्नीज करना है, कफ करना है, तो आप हैंडकरचिप रखिए अपने मुंह पे. क्यों बोलते हैं हम ऐसा? ताकि जर्म्स जो हैं वो स्प्रेड नहीं हो पाए. ठीक है, इसलिए व्हेन अ सिक पर्सन स्नीज कफ्स और स्प्लिट विदाउट कवरिंग हिज हर नोज एंड माउथ, द जर्म्स स्प्रेड इन द एयर वी ब्रीथ. है ना, इससे क्या होता है कि जर्म्स जो है वो हवा में आ जाते हैं, तो ये जो जर्म्स हैं ये हमको इन्फेक्शन कॉज करते हैं. सो व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीद इन सच इन्फेक्शियस एयर, द जर्म्स एंटर हिज और हर बॉडी थ्रू नोज एंड माउथ. डिसीजेस सच एज कॉमन कोल्ड, वूफिंग कफ, इन्फ्लुएंजा आर स्प्रेड बाय ब्रीदिंग इन कंटेमिनेटेड एयर. क्लियर. नेक्स्ट है यहाँ पे थ्रू इंसेक्ट. अब इंसेक्ट्स के थ्रू भी क्या होता है, डिसीज या कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो स्प्रेड हो जाती है. ठीक है, इंसेक्ट सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लीज विच सक द ब्लड कैन स्प्रेड डिसीज. ठीक है, मॉस्किटो अच्छा कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, मलेरिया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स. ठीक है, मॉस्किटोज, प्रोटोजोअन, मॉस्किटोज हम बोल सकते हैं. मॉस्किटोज सक द ब्लड ऑफ सिक पर्सन. व्हेन मॉस्किटो सक अ ब्लड ऑफ सिक पर्सन इन्फेक्टेड विद मलेरिया, द जर्म्स ऑफ मलेरिया ऑल्सो गेट सक्ड बाय द मॉस्किटो. व्हेन दिस जर्म्स कैरिंग मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी पर्सन, इट रिलीज द जर्म्स इन टू द हेल्दी बॉडी एंड कॉज मलेरिया. डिसीज सच एज डेंगू, येलो फीवर, प्लेग आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स. अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. ये हमेशा याद रखना बेटा, अभी आप फिफ्थ क्लास में है, ये आपको आगे तक भी याद रखना है. ठीक है, तो इसको एज अ स्टार पॉइंट लगा के आप याद रख लीजिए कि मलेरिया कौन स्प्रेड करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय एडीज मॉस्किटो. इससे एडीज मॉस्किटो और एनोफिलिस, ये दो पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिए, अभी आप फिफ्थ क्लास में ही, आगे आपको बहुत काम आएगा. ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है ये. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कम्युनिकेबल डिसीज पे. बहुत देर से हम रेड पेन का यूज कर रहे थे, अब हम ग्रीन का करेंगे. Some common communicable diseases are summarized. ठीक है, अब common cold, common cold कैसे होता है, वायरस से. वायरस common cold को कॉज करते हैं. इसके सिम्टम्स क्या होंगे बेटा, कफ, कोल्ड, हेडेक, सॉर थ्रोट. नेक्स्ट इज COVID-19. इसके बारे में तो मुझे बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, है ना, बहुत सुना है हमने 2019 से COVID-19 के बारे में जो सुन रहे हैं, तो आज तक हम सुन ही रहे हैं, है ना. वैक्सीन्स भी आई, ठीक है, बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लिए, है ना. तो ये किससे कॉज होता है, वायरस से. इसके सिम्टम्स क्या है, कफ, कोल्ड, हाई फीवर, टायर्डनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेडेक. नेक्स्ट इज मियसल्स. मियसल्स भी वायरस से कॉज होता है. रेड आईज इसके सिम्टम्स है, व्हाइट स्पॉट इनसाइड द माउथ, फीवर, मसल पेन.
नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है. हेपेटाइटिस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ, वैसे आपकी बुक में है नहीं मेंशन, और हायर एजुकेशन में या हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी. ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी. ठीक है, ये आप याद रखना. हेपेटाइटिस कॉज होता है वायरस से, लॉस ऑफ एपिटाइट, न्यूसल्स, फीवर, स्टमक एक, वीकनेस, ये सब इसकी सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की. चिकन पॉक्स भी कॉज होता है किससे? वायरस से. सिम्टम क्या होंगे इसके? रैशेस, फीवर, अनइजीनेस, बॉडी पेन. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू. डेंगू जो है वो भी वायरस से होगा. इसके सिम्टम क्या है? हाई फीवर, रैशेस, सीवियर जॉइंट एंड मसल पेन, टायर्डनेस, हेडेक. नेक्स्ट इज मलेरिया. मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोअन से. तो इसके सिम्टम क्या है? फीवर, नॉसिल्स, स्वेटिंग, टायर्डनेस, हेडेक. ठीक है, अमीबोलाइसिस प्रोटोजोअन से होगा, स्वेलिंग इन इंटेस्टाइन, डायरिया विथ ब्लड, रिंग वॉर्म. ये क्या, ये जो है ये फंगस से होता है. ठीक है, अब इसमें रेड रिंग्ड शेप, स्केली रैशेस ऑन स्किन एंड इचिंग. नेक्स्ट इज टेटनस. टेटनस भी बैक्टीरिया. इसमें क्या होगा? स्टिफनेस ऑफ जॉ, नेक एंड अदर मसल्स, सीवियर एंड फ्रीक्वेंट मसल क्रैम, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग. डायसेंट्री, ये बैक्टीरिया से कॉज होता है. इससे लूज मोशन विद ब्लड, पस एंड म्यूकस. फिर टाइफॉइड. टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होगा. फीवर, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टमक एक. देन ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं. ठीक है, टीबी और ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बैक्टीरिया से होता है. इसके सिम्टम क्या है? कफिंग, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स एंड फटीग. अब हम अगर देखें कि आपको क्या क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए कम्युनिकेबल डिसीजेस को दूर रखने के लिए, है ना, कैसे हम कम्युनिकेबल डिसीजेस को दूर रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, आपको जो है आपका सराउंडिंग को और खुद को क्लीन रखना है ना. कीप आवर सेल्फ क्लीन, कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन. ठीक है, थर्ड पॉइंट है कंज्यूम क्लीन फूड एंड वाटर. फोर्थ पॉइंट है गेट वैक्सीनेटेड. ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि हम क्यों इतना बोल रहे हैं. अब ये पॉइंट्स डिटेल में दिए हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये पॉइंट्स आप पढ़ें, है ना. मैं नहीं समझा रही हूँ, पर आप बोलेंगे तो समझा भी देंगे, है ना. इतना आपको क्लियर हुआ. अब गेट इट राइट. गेट इट राइट में क्या दिया है? The germs that are used for preparing vaccine are too weak to cause the disease. They prepare the body to fight against the disease. ठीक है, वैक्सीन का मैं आपको समझा देती हूँ कि वैक्सीन, अच्छा वैक्सीन को समझाने के पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि the method of pasteurization was developed by the scientist लुइस पाश्चर इन 1864. ये भी आप ध्यान रखिएगा, पाश्चराइजेशन. ठीक है, से इट करेक्ट हम पढ़ लेते हैं. वैक्सीन क्या बोलेंगे इसको? वैक्सीन. फिर नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी. क्लियर, वैक्सीन, गेटिंग वैक्सीनेटेड. ये आपका फोर्थ पॉइंट था प्रिवेंशन का. तो वैक्सीन क्या होती है? एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए, अ वैक्सीन फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज कंटेन डेड और वीकेंड जर्म्स दैट कॉज दैट डिसीज. ठीक है, वैक्सीन क्या होती है? एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन होती है, और उस वैक्सीन में क्या होता है, वही उसी डिसीज के जर्म्स होते हैं जो कि डेड और वीकेंड होते हैं. ठीक है, और ये हेल्प करती है किसमें? दिस हेल्प इन डेवलपिंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीज.
द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. और जो प्रोसेस होती है वैक्सीन को देने की उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन. वैक्सीन कैन बी गिवन टू अ पर्सन ओरली और इंजेक्टेड इनसाइड द बॉडी बाई यूजिंग सीरिंज. नाउअडेज वी हैव वैक्सीन फॉर मेनी डिसीजेस सच एज मीजल्स, पोलियो, टाइफॉइड एंड चिकन पॉक्स. यू कैन इंक्लूड कोरोना ऑल्सो. कैन यू नेम टू मोर डिसीज फॉर विच वैक्सीन आर अवेलेबल? सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली. वी हैव वैक्सीन. सो होप सो दिस चैप्टर इज एंड बाय दिस टॉपिक, राइट? सो if you have any doubt related to this chapter or any other chapter, you can mention your doubts in comment section. Stay tuned with Science Wise. Thank you, dear students.